वरुण गांधी ने मां मेनका गांधी को लेकर ऐसा क्या कह दिया कि सभा में मौजूद सभी लोग भावुक हो गए। सुल्तानपुर में मेनका के मन से वरुण क्यों हो गए इमोशनल? आखिर रायबरेली और अमेठी का जिक्र होने पर वरुण ने क्या कह डाला? उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी के समर्थन में उनके बेटे वरुण गांधी पहली बार वोट मांगने चुनावी मैदान में उतरे। हालांकि लोकसभा चुनाव के मैदान से अब तक वरुण गांधी बाहर रहे हैं, लेकिन पीलीभीत लोकसभा सीट से टिकट कटने के बाद पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में पहुंचे वरुण गांधी ने अपनी मां के लिए लोगों से एक इमोशनल अपील कर डाली, जिसे सुनकर सभा में मौजूद सभी लोगों के आंख भर आए। वरुण गांधी ने सुल्तानपुर की जनता से भावनात्मक अपील करते हुए कहा कि मैं यहां सुल्तानपुर की मां के लिए आया हूं। हालांकि इस चुनावी सभा के दौरान वरुण गांधी ने एक बार भी पीएम मोदी या सीएम योगी का जिक्र नहीं किया। उनका पूरा फोकस सुल्तानपुर, मां और मेनका तक ही सीमित रहा। पूरे देश में 543 स्थान पे चुनाव हो रहे हैं। कई जगह बड़े बड़े अनुभवी लोग, बड़े बड़े करिश्माई लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एक ही क्षेत्र है पूरे देश में जहां के सांसद को ना कोई सांसद जी बुलाता है, ना कोई मंत्री जी बुलाता है, ना कोई उनको नाम से बुलाता है। पूरे क्षेत्र में लोग माता जी के नाम से बुलाते हैं। मां जो होती है वो परमात्मा के बराबर एक शक्ति होती है, क्योंकि जब पूरे दुनिया साथ दे ना दे, मां कभी साथ नहीं छोड़। और आज मैं केवल अपने मां के लिए समर्थन जुटाने के लिए नहीं आया हूं, मैं सुल्तानपुर की मां के लिए समर्थन जुटाया। मां की जो परिभाषा होती है वो होती है वो शक्ति जो सबकी रक्षा करे, जो भेदभाव ना करे, जो काम आए मुश्किल में और जो निरंतर अपने हृदय में सबके लिए प्यार रखे। मां की डांट जो होती है वो भी एक आशीर्वाद होता है। हम लोग जब सुल्तानपुर 10 साल पहले आए थे चुनाव लड़ने, तो पहली बार सुल्तानपुर में लोगों ने कहा कि साहब जो अमेठी में रौनक है, जो रायबरेली में रौनक है, हम चाहते हैं कि सुल्तानपुर में भी ऐसी रौनक आवे। आज मेरे लिए बड़े हर्ष की बात है कहना कि देश में सुल्तानपुर का जब नाम लिया जाता है वो मुख्य धारा में प्रथम पंक्ति में नाम लिया जाता है। अब जब सुल्तानपुर का कोई व्यक्ति, चाहे गरीब हो, चाहे असहाय हो, चाहे निर्धन हो, उसको पता है कि चाहे वो लखनऊ जाए, चाहे दिल्ली जाए, चाहे बनारस जाए, चाहे कहीं जाए, जब वो जाता है तो उसके साथ एक पहचान जुड़ी है। उसको केवल ये कहना है कि हम सुल्तानपुर से हैं, तो लोग कहते हैं वो मेनका गांधी वाला सुल्तानपुर, वो वहां से आए। मैं यहां पे बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कहता हूं कि सुल्तानपुर में ना काबिलियत की कमी है, ना साहस की कमी है, ना प्रतिभा की और ना स्वाभिमान की। सुल्तानपुर के लोग को केवल एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनको अपना परिवार माने। परिवार का मतलब क्या होता है? परिवार का मतलब होता है
हर बार में जो साथ थे वो ही परिवार होता। हम लोग एक वादा करते हैं, नाली सड़क बिजली ये सब होता रहेगा, लेकिन हम वादा करते हैं एक खून के रिश्ते का वादा करते हैं कि सुल्तानपुर का कोई भी व्यक्ति कभी अकेला नहीं होगा। जैसे पीलीभीत में सब के पास वरुण गांधी का नंबर है, वैसे ही मैंने अपनी माँ को देखा है 11, 11, 12 बजे रात को किसी का भी फोन आता है तो उठाती हैं और उसके समस्या का समाधान करने का प्रयास करती। ना उनके अंदर कोई मैं है, ना उनके अंदर कोई अहंकार है, ना उनने किसी का नुकसान किया, ना उन्होंने गांव-गांव में झगड़ा फैलाया, ना उन्होंने कभी किसी के साथ दुश्मनी निभाई। मैं यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं और सबका अधिकार हमारे परिवार के ऊपर है, यहाँ पे कोई हमसे अलग नहीं। मैं आपको बताता हूँ, पूरे सुल्तानपुर में एक भी व्यक्ति से हमारे कोई गुस्सा नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। हमारे सामने भी जो चुनाव लड़ेंगे बाद में, अगर वो भी बीमार पड़े, सबसे पहले हम ही उनकी मदद करेंगे। किसी से कोई बैर नहीं। यहाँ पे जितने लोग हैं, जब मैं सुल्तानपुर पहली बार आया, तो मुझे अपने पिताजी की खुशबू यहाँ लगी, लेकिन आज मुझे कहने में बहुत गौरव महसूस हो रहा है कि आज मुझे लग रहा है कि मैं अपने मातृभूमि में आ गया। वरुण गांधी ने सुल्तानपुर को लेकर अपने संबोधन में कहा कि ये देश का इकलौता ऐसा निर्वाचन क्षेत्र है जहां पर लोग सांसद को सांसद नहीं कहकर माताजी कहते हैं। उन्होंने कहा कि माँ जो होती है वो परमात्मा के बराबर एक शक्ति होती है। पूरी दुनिया भले ही साथ छोड़ दे, लेकिन माँ कभी साथ नहीं छोड़ती। मैं यहाँ पर अपनी माँ के लिए नहीं बल्कि सुल्तानपुर की माँ के लिए आया हूँ। लोकसभा सीट का कोई भी वोटर उन्हें माँ के नाम से ही जानता है। सिर्फ यही नहीं, वरुण गांधी ने अपने संबोधन में अमेठी और रायबरेली का भी जिक्र किया और सुल्तानपुर से उन दोनों सीटों की तुलना भी की। वरुण ने कहा कि देश में कई वीआईपी और वीवीआईपी उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, लेकिन सुल्तानपुर से एक माँ चुनावी मैदान में है। मेनका गांधी के डांटने की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि माँ जब डांटती है वो भी एक आशीर्वाद होता है। एक माँ को एक बार फिर यहाँ के लोग संसद तक भेजने में जुटे हुए हैं। वहीं 2014 में सुल्तानपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवारी की चर्चा करते हुए वरुण ने कहा कि 10 साल पहले जब हम यहां चुनाव लड़ने आए थे, उस समय सुल्तानपुर के लोगों ने हमसे अपेक्षा की थी। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि आज मेरे लिए बड़े हर्ष की बात है कि देश के सुल्तानपुर का जब नाम लिया जाता है तो वो देश की पहली पंक्ति के शहरों में लिया जाता है। बता दें कि वरुण गांधी पीलीभीत सीट से बीजेपी के सांसद हैं। हालांकि इस बार के चुनाव में बीजेपी ने उनका टिकट काटकर जितिन प्रसाद को पीलीभीत से चुनावी मैदान में उतारा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें।